हाँ जी गाइस, आज हमारा जो सबसे फर्स्ट मेथड है वो है भाई घी क्लेरिफाइड बटर, जो इंडियन घरों में तो भाई सबसे कॉमन चीज़ मानी जाती है। ठीक है, तो इसको हमने कैसे यूज़ करना है भाई? कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस क्या करो, थोड़ा सा घी लो अपनी फिंगर टिप्स पे, इसको अच्छी तरह से मलो और जहाँ पर आपके डार्क सर्कल्स हैं वहाँ पर इसको मसाज करो 10 to 15 मिनट्स, ताकि अच्छी तरह अंदर स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। तो भाई साहब, नेक्स्ट आता है अपना ककुम्बर। देखो भाई, ये भी बहुत कॉमन है, आराम से मिल जाएगा तुम्हें। क्या करना है, इसको लगाने का सही तरीका क्या है, इसके दो स्लाइसेस करो और इसको काट के, इसके दो स्लाइसेस करके इसको रिफ अपने फ्रीज़र में रख दो। ठीक है, फ्रीज़र में एंटिल इसको 30 मिनट्स के लिए रखो, ताकि एक तरह का कोल्ड कॉम्प्रेस का काम करे। और जब 30 मिनट्स पूरे हो जाए, इसे फ्रीज़र से निकालो और अपनी आइज़ के ऊपर रखो। टिल 15 to 20 मिनट्स अपनी आइज़ के ऊपर रखो, रिलैक्स करो, चिल करो और थोड़े दिनों में रिजल्ट्स पाओ। तो भाई नेक्स्ट आता है अपना ऑलमंड ऑयल। ऑलमंड ऑयल अपना को क्या करना है, थोड़ा सा फिंगर टिप्स के ऊपर लेना है, फिंगर टिप्स के ऊपर लेके इसको अच्छी तरह से मसाज करना है, ताकि ये थोड़ा सा हीट अप हो जाए। और फिर इसको अपनी अंडर आइज़ के ऊपर लगाना है या जहाँ पर आपके डार्क सर्कल्स हैं, और इसको मसाज करना है 15 to 20 मिनट्स के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से आपकी स्किन के अंदर चले जाए और आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे। अब भाई जो भी मैंने तुम्हें रेमेडीज़ बताई हैं, ये सारी बहुत इफ़ेक्टिव हैं, बट कईयों की जो डार्क सर्कल्स हैं वो मे बी ज़्यादा सिवर हों, या कईयों की स्किन कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो अगर आप इन रेमेडीज़ को रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स।